हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चुलबुल किचन। आज हम लोग बनाएंगे कढ़ाई पनीर, पर ये बिल्कुल अलग बनेगा। ना तो हम इसमें प्याज को और ना ही टमाटरों को सॉटे करेंगे, इसमें डायरेक्ट इसका एक पेस्ट बना के यूज करेंगे। ये भी उतना ही टेस्टी बनेगा, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइए कि कैसा लगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, पर देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, जिसे स्क्वायर में काट लिया है। यहाँ पे हमने साबुत मसाला लिया है, जैसे 5 से 6 काली मिर्च, साबुत जीरा 1 टीस्पून, साबुत शॉप 1 टीस्पून, धनिया 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 से 2, हरी इलायची 1 से 2, एक तेजपत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक शिमला मिर्च को स्क्वायर में काट लिया है। एक प्याज को भी स्क्वायर में काट लिया है। 2 से 3 हरी मिर्च, जिसे लंबे साइज में काट लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, एक प्याज का पेस्ट बना लिया है। 2 टमाटर को भी हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक स्वाद के अनुसार, धनिया का पत्ता जिसे चॉप कर लिया गार्निश के लिए, कुकिंग ऑयल, यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल यूज कर रहे हैं, आप चाहे तो बटर का भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें सारे मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर, खुशबू अच्छी आ रही है, आपको खुशबू से ही पता चल जाएगा कि मसाला हुआ या नहीं हुआ। अब हम लोग इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर देंगे, इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। मसाला ठंडा हो चुका है, अब हम लोग इसे मिक्सी के जार में रख के इसका एक पाउडर बना लेंगे। हरी इलायची का हम लोग इसका छिलका हटा देंगे, अंदर का पार्ट रखेंगे। अब हम लोग इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। अब देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट पाउडर बना है, ना तो ज़्यादा बारीक पीसना है और ना ज़्यादा मोटा। फिर से गैस ऑन करेंगे, वापस से वही कढ़ाई चढ़ाएंगे। अब हम लोग इसमें मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, मैं फिर से करी, आप चाहे तो इसमें बटर का भी यूज कर सकते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम लोग इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। यहाँ पे हम लोग फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, इसे मिक्स कर देंगे। अब हम लोग इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर डालेंगे। हम लोग इसलिए पहले रख रहे हैं ताकि कलर और अच्छा आए, और हल्दी और लाल मिर्च को बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। अब हम लोग इसमें प्याज डालेंगे, इसे अच्छे से भून लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। हमने इसे अच्छे से भून लिया है, अब हम लोग इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें मसाला डालेंगे जो हमने ड्राई रोस्ट किया था, इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए प्याज में। हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम लोग इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे जो हमने मिक्सी में इसका पेस्ट बनाया था, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम लोग इसे भी मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे हम फ्लेम को हाई करते हैं। इसमें बॉयल आ चुका है, हम लोग इसे कवर कर देते हैं। कवर करके 2 से 3 मिनट के लिए पकाते हैं।
कवर हटाते हैं, चेक करते हैं, मसाले अच्छे से पक चुके हैं, नीचे कढ़ाई में सट रहा है, इसका मतलब मसाला पक चुका है। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम लोग इसमें प्याज, शिमला मिर्च और मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि काफ़ी ड्राई हो चुका था। वाओ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार और। अब हम लोग चेक करते हैं शिमला मिर्च पका कि नहीं। पक चुका है, शिमला मिर्च को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा सा और पानी डालेंगे क्योंकि पूरा ड्राई हो चुका है। अब हम लोग इसमें गरम मसाला डालेंगे। अब हम लोग इसमें पनीर डालेंगे। हमें पनीर के साथ ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती है, नहीं तो पनीर टूटने लगेगा, इसलिए यहाँ पे फ्लेम को हाई कर देते हैं और बस 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। थोड़ा सा और हम लोग पानी डाल देंगे क्योंकि पनीर है तो इसमें हम ड्राई नहीं भूनेंगे, नहीं तो पनीर टूट जाएगा। अब हम लोग इसमें ग्रेवी लगाएंगे। मैं इस पर ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पतला ग्रेवी नहीं चाहिए। अब इसमें बॉयल आने देते हैं। अब हम लोग इसे सर्व करेंगे। हमने इसे सर्व कर लिया। अब हम धनिया पत्ते से गार्निश करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।